मत घता प्राण, यानी कि मुझसे थोड़ा सा भी दूर हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाए। जैसे दशरथ महाराज, दशरथ महाराज ने बोला नहीं था श्री राम को कि आपको वनवास जाना है, लेकिन कैकेयी को क्योंकि वचन दिया था तो श्री राम वनवास की ओर चले गए, और जैसे ही श्री राम चले गए उसी समय दशरथ महाराज के प्राण। ऐसा होता है भक्त कि भगवान के बगैर उसको रहना नहीं आता, और क्या करता है, बोधयन्तः परस्परम, जब भी आपस में मिले तो बस कृष्ण की बात। क्या कृष्ण की बातें, अभी ये फेस्टिवल आने वाला है तो कौन सी ड्रेस बनाओ, भगवत गीता में भगवान ने ऐसा कहा है उसका मतलब क्या है, आज मेरी इतनी माला हुई, आज मेरा माला में मन नहीं, भगवान की पूजा करने की, भक्ति करने की, बोधयन्तः परस्परम। अच्छा ऐसा करते ना उससे और भी अच्छा है ना, समझ में आता है ये चीज करना, कुछ भी बोधयन्तः परस्परम, भगवान के बारे में ही बात करेगा। भक्त की क्या निशानी है कि वो संसार के बारे में बात नहीं करेगा, किसके बारे में बात करेगा, भगवान। कथयन्तश्च माम नित्यम, नित्यम माना कंटिन्यूअस, किसके बारे में बातेगा, मेरे बारे में, और उससे बात करने में उसको क्या होगी, क्या होगी, आनंद। तत्पुष्यन्ति च रमन्ति च, याद रखिए जिसको कथा में बोरिंग होता है ना, अभी इसका मतलब है वो अभी वो भक्त नहीं बना, है ना। इसका मतलब है जब भगवान के विषय में सुनने को मिले तब आनंद आता है, वही भक्ति है। तो ये प्रोसेस हो भक्ति है, क्या क्या प्रोसेस है, भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में बोलना, भगवान से प्रेम करना, हृदय में भगवान के विषय, भगवान का चित्र हमेशा होना चाहिए।